पुलिस वाले बैठे हैं, चलो बुला रहे हैं लोग, डर भी नहीं है भाई। हेलो व्लॉग, वेलकम टू माय गाइस। पुलिस वाले बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गए भाई। जयपुर सीरीज के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। एंड फिर हमें सेम कपड़ों में आप देख रहे हो, क्योंकि भाई हम अभी जस्ट उठे हैं, अपने ब्रेकफास्ट करने नीचे जा रहे हैं। एंड आज तक तैयार घर होके हम मोस्ट प्रॉबली जाने वाले हैं भांगड़ फोर्ट। मज़ा आने वाला है भाई। एंड यहाँ से दूर भी काफ़ी है, तो ट्रिप भी आपको दिखाएंगे, जर्नी भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज का ब्रेकफास्ट कैसा है यहाँ पे। तो भाई आज ब्रेकफास्ट में हमारे जूसेस वगैरह एंड चिकन सॉसेज एज ऑलवेज, सॉटे कॉर्न मसाला, ओट्स, पूरी भाजी, आलू बोंडा एंड ये मीठे में कुछ चीज़ें हैं एंड इट्स इडली सांभर एंड उपमा एंड आर डोसा टू एग टू ऑर्डर। तो जी ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया बढ़िया सा, अब हम होंगे भाई तैयार एंड सीधा आपको मिलते हैं तैयार होने के बाद इन 3, 2, 1। हो गए हम रेडी एंड हम जा रहे हैं और गर्मी है भांगड़ फोर्ट। तो भाई प्लान में है थोड़ा सा स्लाइड चेंज, हम भांगड़ नहीं जा रहे। ऐसा कर इसी को भांगड़ बता दे। बट हम भांगड़ जा रहे भाई, हम जा रहे हैं रात को। एंड अभी हम जा रहे हैं शीश में शराब पीने। शराब पीने यार, तू शराब पी के तेरे को अभी तक संतुष्टि चढ़ी नहीं है मेरे को लग रहा है भाई। बट इट्स लुकिंग गुड, द व्यू इज गुड। तो भाई फोर्ट तो हम आ गए एंड ये सही है काफ़ी। फोर्ट को ना ऐसे चेंज पूरा करा हुआ है, यहाँ पे फूड कोर्ट वगैरह, शीश महल वगैरह वो सब है। और शीश महल तो भाई हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव टिकट है भाई। एंड बस व्यू के लिए हम आए हैं यहाँ पे, अभी पहले कुछ खाने जा रहे हैं भाई। खाने के लिए हमने सबसे पहले मंगवा दिया भाई बढ़िया सा दाल बाटी चूरमा भाई। खा के दिखा भाई, मालूम टेस्ट कर भाई। टेस्ट कर यार। हार्ड बहुत है, बहुत हार्ड है, खाई नहीं जा रही भाई। बट घी से पूरी लथपथ आ गई, ये सही है। ठीक है कोई नहीं, हमने भाई मैगी मंगवा दी फॉर इन्फॉर्मेशन। तो मैगी तो है और क्या है, कुछ पैसे नहीं है भाई, कुछ पैसे नहीं इसमें। खा के देख भाई, तेरा बड़ा प्यारा है भाई, जो मर्जी खाओ। मालूम क्या ये पत्थर है क्या? अबे बट मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है, गोलगप्पे का पानी क्यों दिया साथ में? बकरे के गोटे हैं ये। कार हो यार, मैं खा भी नहीं सकता। अब लग रहा है भैया आप कुछ करके आए, अपना वाला मसाला डाल के आए हो अंदर, कोई जाट मसाला डाल के आए हो आप, मेरे को लग रहा है। अब सही लग रही है भाई। तो भाई उनकी तो बैंड बज गई है भाई, वो तो खा पी के बैठे हुए वहाँ पे फूड कोर्ट में। मैं निकल आऊँ क्योंकि भाई हम तो ब्लॉगर है एंड हमें पूरा जर्नी रिकॉर्ड करनी होती है भाई। और हम देखेंगे भाई प्यारा वाला व्यू, मैं जा रहा हूँ ओपन में व्यू देखने भाई, क्योंकि मेन तो हम व्यू ही देखने आए थे ना यार। तो कुछ 500 मीटर 1 किलोमीटर की वॉक है, तो वो कर रहे हैं। शाम का टाइम हो गया भाई एंड जाते हैं। भाई पैलेस तो बहुत ज़्यादा सुंदर है भाई, बट जो मर्जी कहो भाई स्केरी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा स्केरी है। देखो भाई छोटे छोटे ऐसे रूम बने हुए हैं भाई, क्योंकि हम रात को कुछ 9 बजे आए हुए हैं भाई यहाँ पर। बहुत स्केरी भाई। भाई जो मर्जी कहो, यहाँ पे हाइड एंड सीक खेलने में बहुत मज़ा आएगा भाई, जो मर्जी कहो भाई। भाई इतनी ज़्यादा स्केरी जगह है भाई और इतनी ज़्यादा बढ़िया हाइडिंग स्पॉट्स है भाई। तो भाई हम टेरेस पे आ गए भाई, जैसे कि तुम देख सकते हो टेरेस दिख रहा होगा। एंड भाई इतना ज़्यादा क्रेजी व्यू है भाई, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। होपफुली कैमरा जस्टिस कर दे भाई, बहुत ज़्यादा बंदर है। इन
3, 2, 1 भाई बहुत बंदर है भाई, बहुत ज्यादा बंदर है भाई। अब डर लग रहा है भाई नीचे उतरने में, भाई कैसे जाएंगे भाई। व्यू देख के तो भाई मजा आ गया भाई, दिन बन गया मेरा भाई। बट यार मैं अपनी वाली के साथ, मेरी वाली के साथ ऐसा व्यू कब एंजॉय करूंगा भाई, कब कब। बट हमने जो मर्जी का रिस्क बड़ा तगड़ा लिया, और अभी भी मैं रिस्क तो बत्ती चला देता हूं फोटो खींचने के चक्कर में भाई। हमने बड़े ट्रक ले लिए, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वॉशरूम ब्रेक के लाए थे। एंड अब हमारा प्लान है कि भाई फोर्ट से हम निकल गए अपनी गाड़ी लेकर, 2 घंटे का रास्ता है भाई, और हम जा रहे हैं भांगड़ फोर्ट भाई। एंड भाई हम वहाँ पे अराउंड 10 या 11 बजे पहुँचने वाले हैं। एंड भाई क्योंकि वहाँ पे ना 6 बजे एंट्री बंद हो जाती है, मतलब हम फोर्ट के ऑब्वियसली अंदर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि 6 बजे एंट्री बंद हो जाती है अंदर जाने की। बट भाई बाहर भी आई गेस उतना ही स्केरी होगा जितना अंदर होगा, तो ज़रा देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। सो लेट्स गो भाई। जो मर्जी को भाई, रास्ता बड़ा खतरनाक है, बंदे की जात नहीं है भाई दूर दूर तक। तो तेरे को डर लग रहा है, क्या ही होगा, ज्यादा ज्यादा पत्थर मार दे। तू बता तो रहा था कोई अंडे मारते वाइपर पे, वो सब वाइपर नहीं मारना होता, वो सब बकवास है, वो नहीं कह रहा। अच्छा तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए भाई, रात को 10-11 बज रहे हैं। मेरा पीछे भांगड़ फोर्ट ऑब्वियसली बंद है, हम पुलिस वालों से भी मिलने जा रहे हैं, बातचीत करेंगे भाई एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पे। एंड भाई जगह तो देखो भाई, डेड स्केरी जगह है भाई। अभी किला दिखेगा नहीं क्योंकि पिच ब्लैक है, बट भाई यही है तुम्हारा भांगड़ फोर्ट। क्योंकि वह देखो वहाँ पुलिस वाले बैठे हैं, चलो बुला रहे हैं, उनसे बात करते हैं। तो भाई हम आगे सीधा होटल, भाई भांगड़ से मैंने बीच में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, तो मैं एक्चुअली बताता हूँ हुआ क्या वहाँ पे। हम सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह वो सब थे, मिलिट्री वाले थे, हमने सुना था कि यार न्यूज़ वाले वगैरह ना अंदर घुस जाते हैं उनको थोड़ा पैसे वैसे देकर एंड टूर वूर, तो हम भी उसी इंटेंशन से चलो हम बातचीत कर लेते हैं उनसे, अगर अंदर हो सकता है जुगाड़ तो हम अंदर चले जाए। बट भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं हुआ, उन वो बंदे खुद भी इतने ज़्यादा डरे हुए थे। जो मेन गेट था ना, जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया, वो उसके आगे 1.5 किलोमीटर में एक्चुअल मेन फोर्ट था जिसके अंदर बहुत सारी भूतिया एक्टिविटीज़ होती है। और हमने पूछा उनसे कि भाई क्या होता है, आपने क्या सुना, कह रहे चुड़ैलों की आवाज़ आती है हंसने की, रात को हमारी खुद की फट जाती है। हमने क्योंकि कहा उनको कि भाई तुम हमें टूर दे दो, अंदर का टूर दे दो, क्योंकि हमने वीडियोस देखी थी कि लोग रात को निकले थे। बट वो कह रहे वो पहले होता था, और जितने लोग गए हैं, काफ़ी लोग मर भी गए हैं भाई। उन्होंने बताया 4-5 केसेस हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि भाई लोग मर भी जाते हैं, एंड रात को जो निकले काफ़ी लोग मर भी चुके हैं भाई। तो हमारी थोड़ी सी बढ़ गई, हमने कहा चलो भाई इस एरिया से जितना जल्दी हो सकता है निकलते, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा स्केरी था। एंड मैं बस यही कहूँगा कि भाई रात को तुम एरिया देखने जा सकते हो, एरिया में उतना कुछ बाहर खास नहीं है मेरे एंट्रेंस पे, बट तुम अंदर हम नहीं जा सकते वो, क्योंकि हम मिलिट्री वगैरह कुछ 7 से 10 लोग थे भाई। हमने सोचा कि भाई हम थोड़ा बॉन फायर वगैरह कर रहे थे, तो कि बॉन फायर जला के भी हम थोड़ा आग वाग सेक लेंगे, बट भाई उन्होंने वो तक कर नहीं, हमने एक स्टेप अंदर नहीं लिया। तो It was a bit scary experience, but भाई उतना भी scary नहीं था क्योंकि मैं actually मंदिर तो गए नहीं। So अगर आपको ब्लॉग यहाँ तक पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। दो सारे अंदर हैं, चिल कर रहे हैं, तो हम बैठेंगे खाना पीना करेंगे एंड बस सो जाएंगे। एंड कल हमारा आखिरी दिन है, कल हमारा चेकआउट है। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, कॉमेंट में ज़रूर बता देना अपना फेवरेट पार्ट क्या था, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को यार, एंड लव यू ऑल यार।